अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन विद मिर्ज़ा हुमायूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में, ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। आज का एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था और आपको हमारे फेसबुक के पेज के थ्रू भी पता चला होगा कि आज कौन सी अजीम शख्सियत हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। वो शख्स हैं कि जिन्हें मैंने अपनी भरपूर कोशिश करने के बाद आज शो पे लाने पे आमादा किया और राजी किया। वी हैव नन अदर देन फैजान शेख। अस्सलाम वालेकुम फैजान सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, जबरदस्त। आप बताएं कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अजीम शख्सियत, मतलब इतना बड़ा तारुफ करा दिया आपने। सर, जो लोग डिजर्विंग होते हैं उनका मैं सच्ची सच्ची बातें करता हूँ और जो लोग नहीं होते उनके लिए मैं कुछ नहीं कहता। अरे सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। फैजान, ये बताएं सबसे पहले कैसे गुजर रहे हैं रमजान आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। काफी मजा आ रहा है। बड़े अरसे बाद इतना हम जो है वो मौका मिल रहा है, एक तो घर में रहने का, फिर लोग घर वालों के साथ टाइम गुजारने का, तो डेफिनेटली बहुत मजा आता है। क्योंकि इसके अलावा जो रमजान गुजरते हैं उसमें हम काम कर रहे होते हैं तो उतना टाइम नहीं दे पाते, और फिर रोजे में आप जिसे कहते हैं ना कि आप इबादत करने का जो मजा है वो सब कुछ जो है घर पे इफ्तार करने का, घर पे सहरी करने का, ये चीजें मिस कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी बहुत अच्छा गुजर रहा है। चले गुड, अल्लाह ने खुद ही मौका दे दिया सबको मिल बैठने का और घर पे भरपूर तरीके से रमजान गुजर। बेशक, सही, बिल्कुल। आप बताएं सब कैसा है? सब ठीक ठाक है? ऑल गुड, जबरदस्त जबरदस्त भाई। मूवी स्टार हैं आप, ड्रामा स्टार हैं, होस्टिंग भी कर लेते हैं और बेटे भी बहुत अच्छे हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं, मियाँ भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। तो कोई ऐसी चीज है जहां लगता है आपको कि थोड़ा सा यार ये वाली जो जगह है ना, यहाँ थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, तो कौन सा ऐसी वाली जगह है कि यार मैं थोड़ा सा अच्छा मियाँ बन जाऊं? और ये तो आप तारीफ कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मैं यकीनन डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे लैक करता हूँ। ये बड़कपन है मेरी वालदा का कि वो कहती है मैं बेटा अच्छा हूँ। ये खुशनसीबी है मेरी कि मेरी वालदा जो है वो कहती है कि मैं अच्छा बेटा हूँ, या मेरी बेगम कहती है कि मैं अच्छा शौहर हूँ, या मेरी बहन कहती है मैं अच्छा भाई हूँ। डेफिनेटली आई एम श्योर कि हर आदमी में कहीं ना कहीं लैकिंग जरूर होती है। मैं चाहता हूँ मेरे कोलीग्स मुझसे बहुत खुश रहें, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई बात नहीं समझ में आती हो, क्योंकि मिजाज हर किसी का एक जैसा नहीं होता। मैं बहुत कम बातें करता हूँ, ज्यादा खुलता मिलता नहीं हूँ, तो हो सकता है कोई रिजर्वेशन हो बहुत सारे लोगों।
सही। तो फैजान, घर में ही माशाल्लाह आपने जब आंख खोली तभी सारे स्टार्स को घर में देखा होगा। एक्टिंग आपकी जो है वो ब्लड के अंदर है। पहले से ही सोचा पता कि चलो मैं भी यही काम करूंगा, या कुछ और करने का इरादा था, हादसाती तौर पे इस फील्ड में आ गए? क्या क्या सिलसिला रहा? मेरा मेरा इरादा हरगिज एक्टिंग करने का नहीं था, लेकिन मैंने डायरेक्शन पढ़ी हुई है तो मैं डायरेक्शन करना चाहता था। सही। ड्यूरिंग माय कोर्स इन ज़ैबिस मुझे काफी सारे सीनियर्स ने कास्ट किया अपनी थीसिस फिल्म्स में। ऐसा होता है जब आप अपनी फिल्म्स कर रहे होते हैं तो आप स्टूडेंट्स को कास्ट करते हैं, तो उसमें सही। मुझे मौका मिला तो वहां थोड़े से फील हुआ कि हाँ यार कुछ करना चाहिए। फिर एक दोस्त के बेहद इसरार करने पर मैंने थिएटर किया, और थिएटर करने के बाद जो मजा आया एक्टिंग का वो ऐसी लज्जत थी कि मैं चाहता था कि मैं दोबारा वो एंजॉय करता रहूं। तो सही एक्सीडेंटल तौर पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये प्लान नहीं किया था मैंने। सही। थिएटर में आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता रहता है, आपको बहुत सारे अरसा इंतजार नहीं करना एब्सोल्युटली पड़ता। तो सबसे पहला एब्सोल्युटली आप थिएटर जो का करते हैं फॉरन एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्स। सही, तो सबसे पहले थिएटर का आगाज कैसे किया? नापा से किया, कहाँ किया? पहला थिएटर क्या था? पहला थिएटर प्ले मेरा एक दोस्त मुझे लेकर गया था, एक ऑडिशंस हो रहे थे। सिंडर जट नाम था प्ले का, जावेद सईदी उसके डायरेक्टर थे। ये बात है 2012 की, और सही। वहां हमने जाके ऑडिशन दिया था। और मजे की बात ये कि मेरा दोस्त जो मुझे लेकर गया था वो सिलेक्ट नहीं हो पाया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो वो मैंने प्ले किया, सिंडर जट नाम था उसका। आर्ट्स काउंसिल में हमने वो परफॉर्मेंस की थी कोई 2.5 महीने की रिहर्सल के बाद। तो मुझे वो रिहर्सल का मामला इतना फैसिनेटिंग लगा था कि आप 2.5 महीने तक एक ही चीज को बार बार अपना इतना पॉलिश कर देते हैं उसको कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। सही। इसके साथ फैजान, आपकी आवाज खासी ड्रॉप हो बाद रही है, सिग्नल्स काफी ड्रॉप हो रहे हैं। उसको कुछ 40 दिन परफॉर्म भी किया था कि फैसिनेटली कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसमें, लेकिन आपकी आवाज मुझे बिल्कुल जबरदस्त आ रही है। लेकिन आप इतना कट कट के आ रहे हैं, आपका ये पूरा जो सफर था वो कहीं और चला गया, तो अगर प्लीज आप इसको दोबारा रिपीट कर सकें कि आपने सिंदर जट मैं के लिए बिल्कुल जो भी रिपीट कर काम देता किया। हूँ। हाँ मैंने सिंडर जेट वो प्ले किया था 2012 में, हमें मैंने ऑडिशन दिया था एक दोस्त को साथ ले जाने पर, और मजे की बात ये कि वो दोस्त सिलेक्ट नहीं हो सके, मैं सिलेक्ट हो गया। वहां से सफर शुरू हुआ, और वही वाली बात है कि 2-2.5 महीने जब आप रिहर्सल करते हैं थिएटर में इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है आपका। मैंने देखा कि सब लोग इस तरह से याद करते हैं, अपने कैरेक्टर को बनाते हैं, फिर ब्लॉकिंग सीखते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी चीजें और ऐड करते हैं, फिर आपकी ड्रेस रिहर्सल होती है, वो ड्रेस रिहर्सल करते हुए आपको पता चलता है कि अच्छा आप कहाँ लैग करते हैं, कहाँ आपको बेहतरी करनी चाहिए। एंड देन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। तो वो 2.5 महीने की रिहर्सल थी और फिर हमारी कोई 40 दिन की परफॉर्मेंस थी, उसने मुझे इतना ज्यादा फैसिनेट कर दिया था कि मैंने चाहता था कि मैं ये और करूँ। तो मैंने कोई उसके बाद कोई 3 साढ़े 3 4 साल मैंने कमर्शियल थिएटर किया बैक टू बैक, ग्रेट, जबरदस्त। मुझे इतना मजा आने लगा था वहां पे। फिर कुछ टीवी के लोग आते थे देखने, किसी ने मुझे टीवी में बुला लिया, फिर आशिर अजीम साहब आए थे, मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने एक प्ले दिखा के, तो वहां से उनसे मेरी सलाम दुआई। उन्होंने मुझे फिर मालिक में ऑफर किया कि आप मैं मालिक में कैरेक्टर कर लो, तो मैंने मालिक में कैरेक्टर किया। वहां से फिर वो फिल्म वाली जर्नी शुरू हो गई। जबरदस्त। और फैसल कुरैशी के शो करने का हादसा था, इत्तेफाक था, खुशी खुशी था, क्या था ये? इतनी जबरदस्त आदि की और आपकी जोड़ी अब भी लोग बहुत मिस करते हैं, तो जी कैसा सर, ये जर्नी बताएं अपनी? सर वो जर्नी ये थी कि मैंने मैंने जो अपना थिएटर लास्ट प्ले किया है उसका नाम था यू ओनली मैरी ट्वाइस, जिसको शाह शरीबील साहब ने डायरेक्ट किया था, और 2014 में गालिबन वो प्ले हुआ था। और वो प्ले हम जब कर रहे थे तो उसमें ARY हमारा जो था वो मीडिया पार्टनर था, आपको पता है मीडिया पार्टनर होते हैं प्लेज में, बिल्कुल। तो उसमें ARY की नाइट थी। तो जो ARY के CEO हैं जॉर्जी सेजा साहब वो आए हुए थे वो प्ले देखने के लिए। जब वो प्ले खत्म हुआ तो आके हमसे मिले, बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तुम लोग आओ और मुझसे मिलो एंड वील डू समथिंग टुगेदर। तो वहां से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। फैसल भाई को मैं क्योंकि बहुत पहले से जानता था अम्मी की वजह से, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की कि मैं एक अपना शो शुरू कर रहा हूँ, तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कम ओवर। तो हम वहाँ गए, फिर एक अच्छी जैसे कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई, लोगों को बड़ा पसंद आया, क्योंकि मॉर्निंग शो यूजली जो है वो खवातीन होस्ट करती हैं बहुत ज़्यादातर सिवाय साहिर भाई के। तो बस फिर वो मौका मिला और अल्लाह करम है लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी ये पहला रमजान गुजर रहा है 4 सालों के बाद कि हम रमजान में कोई शो नहीं कर रहे, बिकॉज हम रमजान में कॉन्स्टेंटली 30 दिन शो किया करते थे रात को। तो बड़ा डिफरेंट फील हो रहा है, लेकिन इतने लोग मैसेजेस कर रहे हैं, लोगों का प्यार इतना सारा है,
कि वो कह रहे हैं कि अभी भी आप लाइव आ जाएं, कहीं से घर जाके शो कर लें, तीनों कहीं एक जगह साथ बैठ जाएं, लेकिन आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग इतनी जरूरी हुई है इस वक्त कि वो बिल्कुल हम साथ तीनों मिल बैठ नहीं पा रहे कि हम कोई शो एक साथ कर सकें। जबरदस्त। तो जितने लोग देख रहे हैं उन्हें मैं यहाँ ये बात बता चलूं कि अगर आपके घर से कोई इस फील्ड में है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनके होते हुए भी स्टार बन सकते हैं। ये आपके अपने अंदर होता है, आपकी स्किल्स, आपकी चीजें, आपका लक, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यही आपको एक अच्छा स्टार बनाती है। ड्रामे की मैं तरफ आपको मजे की बात बताता हूँ कि जब जी मैंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो अम्मी ने कहा कि पहले तो पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने 4 साल लगा के वो चीज़ पढ़ी, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी ये बात कि मैं किसका बेटा हूँ। फिर मैंने एक अपनी ही एक शॉर्ट फिल्म में उनको कास्ट किया, तो जब वो स्क्रीन पर आई एक प्रेजेंटेशन के दरमियान, तो मेरे सर ने मुझे कहा कि तुमने इनको कैसे कास्ट कर लिया। तो मैंने कहा कि ये मेरी जाती अम्मी है। तो उन्होंने कहा, जाती हैं? तो उन्होंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, जी। तो फिर वहां से बहुत सारे लोगों को पता चला, तो बहुत सारे लोग मुझ पर हंसते थे इस बात पे कि तुम इनके होते हुए तुम्हें ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है, व्हाई डू यू हैव टू गो थ्रू दिस। तो मैंने कहा, भाई उनकी उन्होंने मुझे कहा कि करो, और मैं शुक्र गुजार हूँ इस बात पर अपनी अम्मी का कि उन्होंने मुझे मैं इस चीज से गुजरा हूँ। मतलब मैं अभी भी स्ट्रगल करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कोई छुपाने वाली बात नहीं, बिकॉज काम का फ्लो ऐसा नहीं है, आपको पता है। और हमारे यहाँ अगर आपकी एक चीज हिट हो जाए तो लोग समझते हैं कि आप वही कर सकते हैं। बिल्कुल तो बड़ा मुझे टाइम लगाए इस बात को मनवाने में कि जी मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं कर सकता, मैं बहुत सारे सीरियस कैरेक्टर्स भी कर सकता हूँ, मैं विलन भी कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूँ। तो इट्स इट्स राइट। तो फैजान, अपने ड्रामे के सफर का कुछ बताएं कि ड्रामे तो वैसे जिंदगी भर से हर कोई करता है, बचपन से लोग बच्चे ड्रामे करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन ड्रामों का सफर जो शुरू हुआ वो क्या था, पहला ड्रामा कौन सा था? फैजान, आपको आवाज आ रही है मेरी? को डायरेक्ट किया था अहमद कामरान साहब ने, और उसमें बड़ी राइट एक या जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी जी आवाज मुझे बराबर आ रही है। जी बोले तो उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया था। उन्होंने उन्होंने कहा कि जो सबसे यंग भाई है वो कॉलेज जाने वाला लड़का है, तो यू फिट द एज, तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम वो करो। बहुत ज्यादा काम नहीं था, बड़ा छोटा सा काम था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मजेदार था, क्योंकि कैमरा के सामने एक्टिंग दूसरे तरीके की होती है, थिएटर में एक्टिंग दूसरे तरीके की होती है। तो वो जो ट्रांजिशन होती है ना, उसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, वो समझना सही। पड़ता है, क्योंकि कैमरे की डायनामिक्स कुछ और होती है एक्टिंग की। तो वो सीखना, वो बड़ा लर्निंग प्रोसेस था। मैं शुक्रगुजार हूँ अहमद कामरान साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैंने वो प्रोजेक्ट किया। उसके बाद करता गया, ड्रामे तो हम करते ही रहते हैं, आपको पता है। और ये ड्रामे ना हो तो फिर काम नहीं चलता। लास्ट फिल्म हीर मांझा की आपने, उसके बाद कोई फिल्म का सिलसिला रहा क्या? क्या सिलसिला रहा, कुछ है आने वाले जी दिनों में बिल्कुल। है? आने वाले दिनों में बस ये जो एक मसला खड़ा हो गया है कोरोना के नाम का, आपको पता है, इससे पहले मैं 2 फिल्म्स की और कुछ मीटिंग्स भी चल रही थी, लेकिन वो ऐसा ब्रेक लगा अभी कि स्क्रिप्ट्स पढ़ के मैं बैठा हूँ, और जाहिर सी बात है आप ना उनको कुछ कह सकते हैं ना वो बेचारे कुछ कह सकते हैं। उन्होंने बस फीडबैक ही लिया था कि आपने पढ़ी, आपको कैसा लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था स्क्रिप्ट। मैंने कहा था मैं आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन क्या करें कि आपको पता है इस वक्त तो एक पॉज आया हुआ है पूरी दुनिया में, तो काम रुका हुआ बिल्कुल है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तो फिर जरूर फिल्म्स की डिटेल भी शेयर करेंगे आपसे। जबरदस्त। तो आजकल के जो हालात चल रहे हैं इसमें मीडिया हाउसेज और टेलीविजन के जो चेक्स हैं, पे चेक्स, इतने सारे रुक जाते हैं, इतने सारे डिले, इतने ग्लिचेज आते हैं, तो कभी नहीं जी करता दिल के यार छोड़ो इस काम को, मैं कुछ और कर लेता हूँ जिससे फ्लो में पैसे तो आते रहे कम से कम, ऐसा ऐसा वाला कभी फील होती है? मुझे तो बहुत अक्सर ऐसा फील होता है, मतलब भाई चल लेकिन साइड में करो इसको। मुझे बताए ना कि एक दो बातें, एक तो ये कि सच्ची बात ये कि कोई और काम नहीं आता, सीधी बात है कि जी एक्टिंग नहीं सही है करेंगे तो डायरेक्शन कर लेंगे। दूसरी बात ये कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें कॉन्स्टेंटली पैसे आते रहे, क्योंकि इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में देखें, हर तरह की काम में, हर तरह की चीज में, आपको पता है कि रिसेशन आया हुआ है और पैसों की जो कमी है या जो फ्लो है वो रुका हुआ है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। सही तो इंसान को अपने आप से सच बोलना चाहिए, जो काम आता है उसको सच्चाई से करना चाहिए।
मैं कहूं कि जी नहीं, मैं मुझे इसमें पैसे फ्लो से नहीं मिले तो मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो फिर वही है कि मैं कर तो सकता हूँ लेकिन एक जीरो से फिर से काम करना, तो वो जो 8-9 साल की स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगी, और मेरे बहन भाइयों में और कोई नहीं है जो ये लेगेसी आगे कैरी करे मेरी वालदा की। तो मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी मैं लूँ, याद रखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज माशाल्लाह उन्होंने जो कुछ अचीव किया है वो मैं उसके बारे में सिर्फ सोच ही सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कैरी करूँ। सही। घर वाले सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, अम्मा तो हर एक्शन, हर हर फिल्म, हर चीज पे बहुत बड़ी एक नेगेटिव राय भी देती होंगी। दिल से नेगेटिव नहीं बेशक देती है खुश होती उनकी। हैं, दिल से बेशक खुश हाँ होती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकाल लेती होंगी कि ये वाली चीज और बेहतर हो सकती थी। ऐसा होता है? बहुत 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 दफा होता है। यूजुअली होता है ये कि मैं अपना काम बिल्कुल नहीं देखता, बिकॉज सच बताऊं तो मुझे अपना काम कभी समझ में नहीं आता, मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता कि यार ये बहुत अच्छा कर दिया मैंने, अंटिल अंटिल हीर मांझा। हीर मांझा जब मैंने देखी तो मुझे कहीं कहीं जगहों पर ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कर लिया मैंने थोड़ा बहुत। तो अम्मा बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं बोलती, लेकिन हाँ बताती रहती हैं कि यहाँ पे तुम ये कर सकते हो, यहाँ पे तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हें कर लेना चाहिए था, या तुम ये भी कर सकते थे। तो डेफिनेटली हेल्प बहुत होती है, और क्रिटिक मैं सच नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिटिक नहीं होती मेरे साथ। हीर मांझा देख के उनको भी बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था तुम्हें काम समझ आ गया है, तो ये उनकी बेहतरीन तारीफ थी। तो जबरदस्त। मैंने कहा था चले चले ठीक है, इतना इतना ही ठीक है। मालिक और हीर मांझा दोनों अपनी नौयत की अलग अलग फिल्म्स थी, तो कौन सी वाली फिल्म को अपनी लाइफ से ज्यादा रिलेट करते हो? तीनों तीन फिल्म जो मैंने की है तीनों बहुत, आई एम ग्लैड कि मुझे तीनों डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिले। मालिक एक थी, उसके बाद पर्ची थी, और फिर हीर मांझा थी। अपनी लाइफ से मैं कुछ भी रिलेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तीनों कैरेक्टर्स मेरी तरह के नहीं थे। सही। हाँ मेरी कहीं 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 मैंने कोशिश की थी कि उसमें कहीं ना कहीं अपना फ्लेवर, और वो ना चाहते हुए भी एक एक्टर का अपना फ्लेवर उसमें आ जाता है। मालिक का जो कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं मेरी तरह था, क्योंकि वो कम गो था, बोलता कम था, और एक्सप्रेस करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। मैं एक बेसिकली एक इंट्रोवर्ट हूँ, जो कि समझना बहुत मुश्किल काम है कि एक एक्टर जो टीवी पे काम करता हो वो इंट्रोवर्ट हो, लेकिन जो लोग मुझसे करीब है वो जानते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं चीजें कम शेयर करता हूँ। तो जो मालिक वाला कैरेक्टर था वो थोड़ा सा शाय था और वो थोड़ा सा घबराता था बात करने में, तो उससे मैं थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ। हीर मांझा का कैरेक्टर कहीं से मेरी तरह का नहीं था क्योंकि वो किसी की इज्जत नहीं करता था, सही। और पर्ची का जो कैरेक्टर था वो बड़ा लॉयल था हरीम के कैरेक्टर से, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझसे जोड़ा जा सकता है। ऑन स्क्रीन अपने साथ क्या समझते हो, कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है जो सबसे अच्छा पेयर तुम लोगों का बनता है? कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है जिसका सबसे अच्छा पेयर बनता है? मैंने काफी सारे लोगों के साथ काम किया है। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैंने किया है जो कि ऑन एयर नहीं हुआ है लेकिन वो होने वाला है इंशाल्लाह, उसमें मैंने स्क्रीन शेयर किया है जिनान हुसैन के साथ। राइट। बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड एक्टर है, थिएटर से उनका ताल्लुक रहा है, वो इस्लामाबाद से हैं, शी इज वंडरफुल। और जिस जो एक और मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, उसमें वलिया एक लड़की है, वलिया नजीब उनका नाम है, तो शी इज अबाउट टू स्टार्ट हर करियर, तो उनके साथ बड़ा मजा आया मुझे काम करने में। तो आई गेस के ये दो जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं दोनों में मुझे बड़ा मजा आया, तो आई गेस के लोगों को भी पसंद आएगा वो पेयर, एंड आई होप के अच्छा लगेगा सबको। जबरदस्त फैजान। खुशी का इजहार कैसे करते हो, और जब उदास होते हो या गम खुदा ना खास्ता कोई आता है, सो उसका उसका एक्सप्रेशन क्या, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो, किस तरह से वो नजर आता है? खुशी का इजहार मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे बहुत कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, बहुत कम दोस्त हैं मेरे, बहुत कम, अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली बड़ी स्ट्रांग है, बॉन्डिंग के हिसाब से हम सब बड़ा मिलजुल के रहते हैं। तो खुशी का इजहार ऐसे होता है कि वो सब मिल बैठते हैं साथ, जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनको फौरन मैं बुला लेता हूँ, और यही बस खुशी का इजहार होता है कि उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारने को मिले, कुछ साथ खा लें, कुछ साथ बैठ के गप्पे लगा लें, कुछ देख लें साथ, उनके साथ टाइम गुजर जाए, तो ये खुशी का इजहार होता है कि फॉरेन फैमिली के साथ, फॉरेन जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ बैठने का मौका मिल जाए। और गम में अल्लाह का करम है कि ऐसा गम अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अप्स एंड डाउन आते हैं आपकी लाइफ में, तो बिल्कुल मुझे ऐसा फील होता है कि व्हेन आई फील लो, व्हेन आई फील सैड, तो आई स्टार्ट राइटिंग, तो मैं कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ, या कुछ ऐसी चीज सुन लेता हूँ जो वापस आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, जो आपको थोड़ा सा वापस खड़े होने का, जैसे कहते हैं ना कि हौसला दे, तो कोशिश होती है कि ऐसी कोई चीज हो जो आपको सेल्फ मोटिवेट कर दे तो ज्यादा बेहतर है।
सही, दुनिया में जितने स्टार्स हैं, मैं बॉलीवुड की भी बात करूंगा, मैं हॉलीवुड की बात करूंगा, मैं अपनी जो इंडस्ट्री है उसकी बात करूंगा, कोई एक शख्स ऐसा है कि जिसको देख के, जिसकी एक्टिंग देख के, जिसके मिल के आपको लगता हो यार दिस इज इट, मतलब कमाल, ये बंदा या ये बंदी, मतलब खत्म है इसके ऊपर सब कुछ, सो कोई ऐसी शख्सियत? मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि जैसे आपको पता है बचपन से ही काफी सारे स्टार्स मैंने, जिनकी लोग देखने की या जिनको लोग मिलने की तमन्ना करते थे, उनके साथ मेरा वक्त गुजरा है। मुइन साहब, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, मुइन साहब से मिलने का मेरा इत्तेफाक हुआ और उनको मैंने परफॉर्म करते हुए देखा है लाइव स्टेज पर। तो उनकी जबरदस्त, जो पर्सनैलिटी थी और जो उनका टैलेंट था, वो तो दुनिया को, दुनिया जानती है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उमर साहब के साथ मेरी बहुत बेहद सिटिंग्स रही है मेरे घर पे, वो आते रहे बहुत अरसे। फैसल भाई रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि वो जितने फिनोमिनल एक्टर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग से ही मैं मुतासर हूँ, लेकिन मैं उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उससे बहुत ज्यादा मुतासर होता हूँ, जिस तरह वो आम लोगों से है ना। सलीम मेराज साहब एक हैं सही, जिनकी एक्टिंग का मैं बेहद फैन हूँ, और कवि खान साहब, अल्लाह ताला उनको हमारे ऊपर हमेशा रखे, उनका साया हम पर कायम रहे, जिस कदर वो जिस कदर खूबसूरत इंसान है वो, और जिस कदर अमेजिंग एक्टर है वो, उनके साथ मैंने 3-4 दफा स्क्रीन शेयर किया है, मेरी खुशनसीबी है। तो ये वो लोग हैं जिनको देख के आप ऑ में रह जाते हैं कि यार मतलब ये लोग कैसे करते हैं काम। जितने वो पंक्चुअल हैं, जितने वो सीरियस हैं अपने काम को लेके, जितनी सच्चाई है उनके काम में वो नजर आती है टीवी पर। माशाल्लाह जितनी फैन फॉलोइंग है उनकी, उसकी यकीनन कोई वजह है। सही। और अगर हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो अगर बॉलीवुड की तरफ जाएं तो कौन है ऐसी पर्सनालिटी या किसकी एक्टिंग, किसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, फैन हो जाए? नवाजुद्दीन साहब एक बहुत ही कमाल एक्टर हैं, और अभी परसों ही एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई इरफान खान साहब की, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। मैंने रिसेंटली अभी कुछ ही हफ्ता पहले शायद मैंने उनकी आखिरी फिल्म देखी थी अंग्रेजी मीडियम, और मैं आई वॉज ब्लोन अवे कि यार ये वाली एक्टिंग कैसे होती है, मतलब इतना एक्सप्रेशन, इतना होल्ड, इतना पावर स्क्रीन पर रखना, इतना अपना प्रेजेंस रखना बहुत मुश्किल काम होती है। तो वो एक, ये दोनों एक ऐसे एक्टर्स हैं जिनको देखकर आप हर दफा कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली होते हैं ना कि एक आदमी अगर विलन अच्छा हो तो उसको विलन ही बना देते हैं, ये दो एक्टर्स ऐसे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब दे कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट। अब इन चीजों से हटके अगर हम बात करें आजकल के दिनों की, तो लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं COVID-19 की वजह से। सो ऐसे लोग जो सिर्फ होम रेस्ट होके रह गए हैं, होम स्टक हैं, उनके पास शायद आमदनी के जराए भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी सजेशंस, कुछ चीजें जो आप बताना चाहें, जो आप अपने ऐसे वक्तों में करते हो कि जब आप कहीं होता है, हम फ्लाइट पे कभी मिस कर जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, हम बीच वाले एरा में फंस जाते हैं, ट्रांजिट में फंस जाते हैं, सो क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या करके थोड़ा सा चिल करते हो? बिल्कुल, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की और बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, ट्रांजिट का। ट्रांजिशन जो होती है, लोग, बहुत सारे लोगों को मतलब पता है, शायद जिनको ना पता उनको मैं बता देता हूँ। ट्रांजिशन होती है एक जगह से दूसरी जगह के बीच का जो रास्ता होता है, ये बीच की जो जगह होती है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। और मुझे वाकई लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, वो एक ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन चल रही है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये ट्रांजिशन खत्म हो जाएगी। तो ट्रांजिट में बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने आप से मुलाकात करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी कभी बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने आप से सेल्फ एवेल्युएशन करें, खुद देखें, क्योंकि इंसान अपने आप से तो सच ही बोलता है, अपना तो सबको पता होता है कौन क्या करता रहता है। खुद से सच बोलें, सेल्फ एवेल्युएशन करें, देखें आप कहाँ ठीक हैं, कहाँ गलत हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से शफकत से पेश आएं, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, जब से ये COVID-19 का मसला शुरू हुआ और क्वारंटीन और लोगों ने कहा कि स्टे एट होम, ये वाली सारी चीजें हुई, तो जो चेंजेस मुझ में आई है मैं वो बता देता हूँ आपको। मैं बेहतर सो रहा हूँ, मैं बेहतर खा रहा हूँ, और मैं बेहतर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बेहतर मुसलमान हो रहा हूँ, क्योंकि नमाज पढ़ने का मौका ज्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले होता था कि नमाजें कजा हो जाती थी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, काम की वजह से कभी आप बिजी हैं, स्केड्यूल ऐसा है, स्केड्यूल वैसा है, मौका नहीं मिल रहा, सीन चल रहा है, तो ये सारी बातें होती थी। लेकिन अब ये कि टाइम अजान होती है आप फौरन नमाज पढ़ लेते हैं। आप अपना सेल्फ एवेल्युएशन करें, ज्यादा टाइम दें घर वालों को, अपने आप को भी टाइम दें, सोचें अब मेरी हेल्थ कहाँ जा रही है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अपने आसपास लोगों को देखें तो आपको अंदाजा होता है कि यार ये लोग मेरी जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट हैं।
चाहे वो आपके वालदैन हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, ये वो मौका है जिसमें आप बैठ के सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। और मैंने सही वाकई एवेल्युएशन की है कि यार मेरे वालदैन कितने इंपॉर्टेंट हैं, मेरे बहन भाई कितने इंपॉर्टेंट हैं, मेरे कुछ दोस्त जो मेरे बहुत करीबी हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनसे मैं नहीं मिल रहा तो मुझे फील हो रहा है कि यार मैं उनसे नहीं मिला हूँ बहुत अरसे से। तो आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है, आप कुछ चीजें देखें और समझें कि हाँ यार मैं ये करता आ रहा हूँ। होता है ना रोजाना एक काम कर करके आप बड़े मोनोटोनस हो जाते हैं, एक ही जैसा काम करते रहते हैं और वो फील नहीं होता आपको। ट्रू तो बेहतर है कि आप कुछ चीजें देखें और सोचें कि यार अनलर्न करते हैं कुछ चीजें, हम पीछे जाते हैं, लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि अच्छा ये हो रहा था, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने घर में क्या क्या चीजें आप बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में सोचें, कंट्रीब्यूट करें जितना कर सकते हैं। हम पे ये बहुत सारी जिम्मेदारी लागू होती है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जरा ज्यादा बेहतर जिनको अल्लाह ताला ने अता किया है उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आगे जाएं, आगे बढ़ें, और जो लोग थोड़े कम प्रिविलेज हैं उनकी मदद करें ताकि सब शाना पे शाना खड़े हो सकें। बिल्कुल। और ये इस क्वेश्चन फैजान से करने का मकसद मेरा इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अपनी लाइफ का रोल मॉडल भी समझते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो इसलिए भी कि बिल्कुल आपकी बातों का लोगों पे असर ज़्यादा होता है। तो जो सोसाइटी में बिल्कुल आजकल नेगेटिविटी फैली हुई है और जितना लोग स्ट्रेस में हैं, तो उसमें अगर आपका कोई ऐसा शख्स जिसको आप देख के इंस्पायर हों, जिसको आप फॉलो करें, वो आपको कुछ अच्छी बातें बताए, तो आप उसको डेफिनेटली फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। फैजान, सिंगिंग का सर, कितना शौक है? मुझे नहीं पता कि मुझे मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं, मुझे हरगिज नहीं पता। मैं छोटी सी बात इससे आपसे इस आपने बात कही तो मैं शेयर कर लेता हूँ कि मैं एक रोड ट्रिप पे था अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर। तो मैंने हमने कहीं कहीं अजान हुई तो हमने गाड़ी रोक कर हमने नमाज पढ़ ली, असर का वक्त था। तो मेरे दोस्त ने इत्तेफाक से वो तस्वीर लेके ना पोस्ट कर दी, तो जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनको भी, कुछ मेरे फैन क्लब्स हैं तो वो उनको भी फॉलो करते हैं मेरे करीबी दोस्तों, उनको पता होता है कि इनसे भी अपडेट आती रहती है। तो वो मेरे दोस्त ने पोस्ट की तो एक फैन क्लब ने उठा के वो पिक्चर पोस्ट कर दी, तो उस पर बड़ा शोर हुआ, बड़े सारे लोगों ने कहा कि ये क्या तरीका है, आप नमाज पढ़ते हुए तस्वीर लगा रहे हैं, ये किसको दिखा रहे हैं आप, और नमाज तो अल्लाह ताला के लिए और ये वो। तो पहले तो मैंने अपने दोस्त को भी डांटा कि यार तुम्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि लोग इस तरह भी बिहेव करते हैं। फिर मैंने दोबारा सोचा कि यार हम हर चीज प्रमोट करते हैं, मतलब हम अपने ड्रामे प्रमोट करते हैं, हम अपनी फिल्म प्रमोट करते हैं, हम कोई हमें डिजाइनर कपड़े देता है तो हम उसको प्रमोट करते हैं, हम जो खा रहे हैं अपनी डाइट को प्रमोट करते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं वर्कआउट को प्रमोट करते हैं। तो यार मतलब एक अच्छी चीज क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? अगर मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि जी हेल्दी रहें, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि जी खाना खाएं, कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि क्रिकेट खेलें, तो मैं ये मोटिवेट क्यों नहीं कर सकता कि जी कुछ लोग मुझे देख के नमाज पढ़ लें, इसमें क्या बुराई है? तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीजें, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है सेलिब्रिटीज पर, जो के सेलिब्रिटीज होते हैं, मैं अब खुद को सेलिब्रिटी नहीं समझता, जो जिन उनपे जिम्मेदारी लागू होती है कि वाकई वो ऐसी चीजें प्रमोट करें जिसको लोग देख के इंस्पायर हों और वो चीजें फॉलो करने की कोशिश करें। सही, जबरदस्त। तो हर तरह की चीज और हर तरह की बात और हर तरह का सुनने वाला और देखने वाला आपकी लिस्ट में होता है, तो आप वैसे एक वक्त में हर किसी को बिल्कुल कुछ नहीं रख सकते। सो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे बिल्कुल थे सही जिन्होंने इसको नेगेटिव ले लिया। सिंगिंग की मैं बात करना चाह रहा था, तो फैजान, गाने गाना भी पसंद है, सुनना पसंद है क्या? सुनना तो बेहद पसंद है और गाने पर मुझ पे पाबंदी है क्योंकि मैं इस किसने कदर लगाई बुरा है गाता हूँ, पाबंदी? मेरे घर वालों ने, मैं इस कदर बुरा गाता हूँ कि पसंदीदा गाना अगर आपका कोई हो और मैं गुनगुना दूं तो कानों को हाथ लगाएंगे आप और आप बोलेंगे अल्लाह के वास्ते ये गाना मुझे पसंद है, इसको बर्बाद मत करो। सही, अगर रमजान नहीं होते तो मैं आपसे कहता कि चले आज इन सब की बातों गलत साबित कर दें और गुनगुना दें, लेकिन अभी फिलहाल आपकी बचत इसमें ही है कि रमजान है तो मैं आपको गाने का नहीं कहूंगा। बिल्कुल आप मुझे ये बिल्कुल बताएं कि कौन है जो जिनको आप अपनी प्लेलिस्ट में रखते हैं, जिन्हें आप बारहा सुनना चाहते हैं, या कोई ऐसे गाने, कोई ऐसी चीजें जो लूप पे लगा के आप सुनते हैं? लूप पे लगाकर अक्सर मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके जो कुछ भी वो उनके जितने कलेक्शन हैं बड़े मुझे पसंद है। अम्मी की वजह से थोड़ा सा क्लासिकल की तरफ रुझान रहा है मेरा और मुझे बड़ा मजा आता है कुछ गजलें सुनने में, लेकिन उसका मूड होता है, अगर मूड सही, होता है तो वो मेरी लिस्ट में जरूर होते हैं, बस मैं फौरन प्ले कर देता हूँ। नुसरत फतेह अली खान साहब हो गए, शफकत अमानत अली खान साहब हो गए, ये वो लोग हैं जिनको मैं जरूर सुनता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। अहमद जहाँजेब हैं, जितने पाकिस्तानी क्लासिक्स हैं मुझे बड़े सुनने में मजा आता है। सज्जाद अली साहब, ओ हो, उनका तो नया गाना हो पुराना गाना हो मैं मिस नहीं करता और बैक टू बैक सुन सकता हूँ मैं उनके गाने, सबसे वन टू फेवरेट ऑल गाना मुझे बहुत पसंद है। सज्जाद अली का सबसे फेवरेट गाना कौन सा?
सिद्धार्थ अली एक साहब की घंटा यार कोई एक तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आजकल मतलब कुछ अरसे पहले जो मैं रिपीट पे सुन रहा था वो रावी था, मुझे बेहद पसंद आया क्योंकि मतलब उनकी आवाज में जादू है यार। और मैं जब रेडियो करता हूँ और मैं जब सजाद अली, नुसरत अली खान, अली हैदर, रहमत जहांजेब, इनके फोल्डर्स में जाता हूँ तो मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इनका कौन सा गाना ऐसा क्या है आप जो मैं क्या प्ले निकाल करें, के जो है कौन सा प्ले करूँ और कौन सा नहीं प्ले करूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही सही कह मैंने रहे हैं आप, बिल्कुल थोड़ा सही सा कह रहे हैं। मुश्किल में डालने की कोशिश की थी कि फैजान से पूछूं कोई एक गाना जरा मुझे बताओ तो कौन सा फेवरेट है। ओके सो फीमेल हाँ पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ जनाना डब्बे में कुछ आवाजें हैं जो आपको पसंद है, कौन फीमेल सिंगर्स कौन सी पसंद है? फीमेल सिंगर्स में रिसेंटली मुझे सनम मारवी बहुत पसंद है, उनकी आवाज में जो पावर है वो बहुत जबरदस्त है, बड़ी यूनिक है। और आबिदा परवीन जी का मैं बेहद बड़ा फैन हूँ, इत्तेफाक हुआ दो दफा उनको सुनने का, तो वो तो माशाल्लाह ये वो लोग हैं जिन पे खास करम है मुझे लगता है, क्योंकि बिल्कुल वो और ये लोग वाकई वो लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते बिल्कुल हैं। सही। किसका कॉन्सर्ट हो तो उसको दीवार फैलांग के भी जाने को तैयार हो गए अगर टिकट ना मिले? पाकिस्तान में हो रहा है कॉन्सर्ट, वो अनफॉर्चुनेट इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हो सकता है हाँ कोई। अनफॉर्चुनेटली मैं मुझे बड़ा इस बात का अक्सर मैं उदास होता हूँ इस बात पे कि मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को नहीं सुन सका लाइव, वरना मैंने इस वक्त जितने लोग हैं उनको काफी तकरीबन सबको मैंने लाइव सुना हुआ है, और बहुत कम लोग हैं जो लाइव बहुत अच्छा निभाते हैं टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ट्रू। लेकिन सजाद भाई और जुनून, एक जमाने जब जुनून होता था उनके मैंने बेहद कॉन्सर्ट अटेंड किए, और मैं कहता हूँ लाइव के बादशाह हैं वो, लाइव उन जैसा नहीं कर सकता कोई। ट्रू जबरदस्त। सजाद अली के बारे में तो मतलब जितनी बार कॉन्सर्ट आपने हदीका कियानी को सुनने का इत्तेफाक हुआ आपका लाइव? हदीका कियानी जी को बिल्कुल लाइव सुनने का इत्तेफाक हुआ। मैं हीर माजा की प्रमोशन में लाहौर में जब था तो एक शो होस्ट करती हैं GNN पे, उसमें मैं गया था एज अ गेस्ट, तो फिल्म को प्रमोट करने, तो उन्होंने मेरे हमारे रिक्वेस्ट पे कुछ गुनगुनाया था, और माशाल्लाह बेहद अच्छा गुनगुनाया था। जबरदस्त। कुछ और चीजें जो खुद से शेयर करना चाहो फिजान, फिर हम वाइंड अप करेंगे चीजों को, जो भी कोई अपने बस यार मैसेज देना चाहो। मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारा प्यार, एक तो तमाम लोगों को, बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जी रमजान है और सलाम जिंदगी नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कुछ और बेहतर आएगा फ्यूचर में। और मैं बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, खास तौर पे जितने लोगों ने मुझे, मेरा शायद कोई छठा या सातवां लाइव है जब से ये क्वारंटीन वाला मामला चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने लोगों को फिर भी इंटरटेन रखा हुआ है यार, और ये बड़ा कमाल है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग लोग जो बहुत सारे लोग घर पे डिप्रेशन में हैं या जिनके पास एंटरटेनमेंट नहीं है, या जो जैसे कहते हैं ना कि बोर हो रहे हैं, यू गाइस आर स्टिल स्टिल ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट एंड ट्राई टू इनवाइट पीपल एंड ट्राई इनवाइट गेस्ट, और मुझे पता है ये बड़ी जिम्मेदारी होती है आपको, लोगों के बड़े टाइम के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। मैं भी माजरा चाहता हूँ, आपने मुझसे 3 दिन पहले कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि यार कोई मुझे बस दो मसला तीन दिन दे दें तो मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप सब लोग जितने आरजेज हैं, वीजेज हैं, जितने होस्ट हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं मुसलसल इस 2 ढाई महीने से, सो थैंक यू वेरी मच। और बस लोगों से मेरी गुजारिश है, रमजान भी है और जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, प्लीज अपने आस पास, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों, दोस्तों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि बस इन टच रहें, पूछ लें कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई भूखा ना सो रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और अपनी बिल्कुल। तरफ से जो बेहतर कर सकते हैं वो जरूर करें। थैंक यू सो मच फिजान, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे जल्द स्टूडियो में मुलाकात होगी, आपसे वहां बैठ के और सर गपशप करेंगे जैसे हाजिर, हमने हीर मांझा के टाइम पे की थी। सर हाजिर हाजिर, जब आप बुलाएं इंशाल्लाह ताला जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फिजान, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। राइट, अल्लाह फैजान हाफिज। हमारे साथ मौजूद रहे आज के इस एपिसोड में। फैजान की बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनली मुझे अच्छी लगती हैं वो ये कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज़ वेरी हम्बल, एंड एक स्टार वाली जो बात होती है ना, कुछ लोगों में स्टार हो के भी वो नहीं आती, वो एरोगेंट, वो नेचर जो इतनी अजीब सी रूट सी हो जाती है कुछ लोगों की, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। ये सारा सिलसिला जारी रहेगा। कुछ थोड़ा सा कैमरे से गुड बाय करते हैं और आपको ऑडियो की तरफ लेके जाते हैं, बिकॉज मंडे से आई एम गोना रीस्टार्ट माय रेडियो शोज, और उसके लिए थोड़ा सा आज मैं तजर्बा भी किया था जो खासा हद तक कामयाब रहा, उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया। सो मैंने कहा कि अपनी बातों के साथ साथ आपको अच्छी अच्छी मौसीकी भी सुनाएंगे, और इसी तरह से इस ज़िंदगी के सफ़र को कोविड-19 जब तक चल रहा है
तो उसको लेके चलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा रेडियो करने वाला बंदा और रेडियो को पसंद करने और दिल से रेडियो करने वाला बंदा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा टेलीविजन काइंड ऑफ मीडियम और ये वीडियो काइंड ऑफ मीडियम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ एक दो जो मुखलिस दोस्त हैं उनके फीडबैक्स देखने के बाद भी, सो मुझे लगता है कि आई शुड रीविजिट अबाउट दिस थॉट और उसको कुछ और बेहतर करके और दोबारा प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। सो टिल यू मीट अगेन, विल डेफिनेटली स्टे इन टच, बट मीनवाइल विल टेक यू टू द ऑडियो जोन। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, व्हाट अ लवली हार्ट टचिंग नंबर, आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपके मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं उन्हें रीड आउट करते चलते हैं। हमें सना ने याद रखा, थैंक यू सना। हाफिज सांगरियार, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत लिया है तो उसके लिए माजरत। शावीज थैंक यू, इफत थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। ब्रेड एंड बटर स्टोर्स आर इन फ्लो, यस। और उज्मा थैंक यू वेरी मच, उज्मा कवल है हमारे साथ। लाडली परी थैंक यू, वालेकुम सलाम। सना कह रही है हमारी बात आज इतने सीरियस क्यों है, बस ना पूछें आज मैं इतना सीरियस क्यों, क्योंकि मुझे सीरियस होने का मूड नहीं था लेकिन फिर भी मैं सीरियस हूँ।
के टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद छोड़ा है किसी ने, चमक में बाखुदा शबनम नहीं है, मैं उन शीशा घरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, व्हाट अ ब्यूटीफुल वन। इसे मैं अक्सर अपने शो पे चलाने की सिर्फ कोशिश यही करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि मेरा काम है आपको अच्छा म्यूजिक सुनाना। पता नहीं क्यों मैं अच्छी वीडियो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू जबरदस्त सा म्यूजिक, जबरदस्त सी बातें और वो सब कुछ जो आप चाहें, क्योंकि गाने तो सब चलाते हैं पर हम वो चलाते हैं जो आप गुनगुनाते हैं। सो विद टेकिंग द लेवरेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन माय पेज और फ्रॉम माय हाउस, सो आई कैन प्ले दिस एज वेल। बिना चीजें देता नहीं,
तुझको देखने से आँखें थकती है, कहाँ कोई तुझे सा नज़ारा यहाँ मैया मेरे बाबू जानी याद जानी माहिया मेरे माधी जानी याद जानी किन्ना सोना तू हां किन्ना सोना तू हां किन्ना सोना तू हां राइट सो अगले ब्रॉडकास्ट तक मुझे इजाजत दीजिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड, क्योंकि वीकेंड इस बार का थोड़ा सा लॉन्ग है, कल यकुम मई है, सब छुट्टी मना रहे हैं, सो हम भी छुट्टी मनाएंगे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सलाह हाफिज, शब बखैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच बाय द नेम ऑफ आर जे मिर्जा मायूं, अल्लाह हाफिज, शब बखैर एंड बाय।